हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे बायोलॉजी के टेस्ट सीरीज को पार्ट 4। तो इसके जो है सभी पीडीएफ आपके टेलीग्राम पे मिलेंगे, तो टेलीग्राम पे जुड़े, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाए। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर और आपके लिए टाइम भी स्टार्ट है 15 सेकेंड। तो इन 15 सेकेंड में आपको जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। अ कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम अटैच टू अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए इज कॉल्ड, राइबोसोम का एक संकुल जो आरएनए के एक रंजक के साथ जुड़ा होता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है, उसको कहा जाता है पॉलीसोम। यानी आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर और अगले प्रश्न का आप उत्तर करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जवाब करेंगे यहाँ पे सही उत्तर। सक्सेस इन द आइसोलेशन एंड द प्यूरिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट फ्रॉम अ लिविंग ऑर्गेनिज्म वाज अचीव्ड बाय, जीवित जीव से विशिष्ट डीएनए खंड का पृथककरण और शुद्धिकरण करने में सफलता प्राप्त की थी। तो यहाँ पे जो है जीवित जीव से जो है विशिष्ट खंडन की बात की जा रही है। तो इसको जो प्राप्त करने की यहाँ पे सफलता प्राप्त की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, तो नीरेनबर्ग ने। उत्तर करेंगे यहाँ पे सही प्रश्न क्या है, सही प्रश्न का उत्तर क्या है। तो यहां पे प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द न्यूक्लियस, केंद्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो कौन सा इसमें सही है, तो यह जो है राइबोसोमल आरएनए संश्लेषण के लिए क्रियाशील स्थल है। इट इज द फंक्शनल साइट ऑफ द राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही। अगला प्रश्न देखेंगे और इसका उत्तर करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। व्हाट इज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन मे मार्क्ड ऑन इन द डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए अणु में आनुवांशिक सूचना किस पर अंकित होती है। तो किस पर अंकित होती है, तो यहाँ पे सही उत्तर की बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स का अनुक्रम पर, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और यहाँ पर उत्तर करना है आपको पांचवें प्रश्न का। इन दी प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम, प्रोकैरियोटिक आनुवंशिक तंत्र में होता है। तो इसमें क्या होता है, तो अगर यहाँ पे बात करेंगे तो क्या होता है, केवल जो है इस पर डीएनए होता है। तो ध्यान रखें केवल क्या होता है, डीएनए होता है, यानी बी आंसर होगा। ठीक है, अरे डीएनए तथा कोई हिस्टोन नहीं होता है, यानी आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। व्हाट इज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक यूज फॉर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका प्रयोग जो है किस लिए किया जाता है, तो तापस्थायी डीएनए पॉलीमरेज की सहायता से विशिष्ट डीएनए क्रम के इनविट्रो द्विगुणन में। तो यहाँ पे ध्यान रखना कौन सा आंसर होगा, डी ऑप्शन। और उत्तर करेंगे इस प्रश्न का कि सही उत्तर इसका क्या होगा। इफ द आइसोलेटेड डीएनए स्ट्रैंड इन केप्ड ऑफ 82-90 डिग्री सेल्सियस, देन यदि पृथक किए हुए डीएनए स्ट्रैंड को 82 यानी 82 यानी 82 से 90 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाए, तो यह क्या होगा। तो यह जो है हाइड्रोजन बंधों के टूटने के कारण जो है क्या हो जाएगा, कुंडल अलग अलग होकर जो है हेलिक्स में बदल जाएंगे। यानी हाइड्रोजन बंध टूटेंगे और कुंडल जो है क्या होंगे, अलग अलग हेलिक्स बॉन्ड बनाएंगे। आगे यहाँ पे उत्तर करेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा। हु अमंग द फॉलोइंग ऑनर्ड एज द फादर ऑफ माइकोलॉजी, निम्नलिखित में से किसे माइकोलॉजी के पितामह का सम्मान दिया जाता है। तो किसको यहाँ पे दिया जाता है,
तो यहाँ पे जो पादप रोग विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, किसको? डी वेरी की बात की जा रही है। और अगला प्रश्न उत्तर करेंगे इसका, सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न है, माइकोलॉजी इज अ ब्रांच इन विच स्टडी ऑफ, कह रहा है कि माइकोलॉजी एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। भाई माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का अध्ययन किया जाता है, फंगी का, फंगल। विच एंटीबॉडी इज एक्टिव अगेंस्ट बायोलॉजिकल फंगी, कौन सा प्रतिजैविक कवक के विरुद्ध सक्रिय है? देखिए यहाँ पे जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहाँ पे कोशिश करें कि आंसर देंगे, और यहाँ पे जो आंसर बताया जाएगा आप अपना मैच करेंगे। बाकी आपको यहाँ पे इसके बारे में फिर सर्च करना है कि क्या सही क्या गलत, सारी चीज़ें आप जैसे ही मिलाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा भी नहीं बनाना, क्योंकि आपका प्रैक्टिस चल रहा है, ठीक है? तो वीडियो लंबा भी नहीं रहेगा, 60 में रखा जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं। तो कौन सा प्रतिजैविक कवक के विरुद्ध जो है सक्रिय है? यहाँ पे अगर सही उत्तर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? फॉलिएंस की बात की जा रही है, ठीक है? और यहाँ पर उत्तर करेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर। वेयर आज दी बेसियोडो स्पोर लोकेटेड, बेसियोडो स्पोर्स किसके सिरे पर लगते हैं? तो ये कहाँ पर होते हैं? तो अगर यहाँ पे सही उत्तर की बात करेंगे तो माइसीलियम में होते हैं, ठीक है? किस में? माइसीलियम में। विच हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज इन द वर्ल्ड, विश्व भर में सबसे अधिक प्रजातियों की संख्या किसकी है? तो सबसे अधिक जो प्रजातियां हैं वो किसकी हैं? फंगी की हैं, कवक की हैं। और उत्तर करेंगे यहाँ पे इस प्रश्न का कि सही उत्तर इसका क्या होगा। ग्रुप ऑफ फंगी इन विच द ज्वेल इज रिपेल्ड एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइदर नॉट ऑब्जर्व्ड आर अब्सेंट, कवक का समूह जिसमें जाल पट्टीयुक्त होता है या लैंगिक जनन या तो देखा नहीं गया है या तो अनुपस्थित होता है। तो ये सब जो लक्षण है क्या कह रहे हैं कि मतलब प्रश्न में जो है सभी जो अपूर्ण हैं, यानी जो है यहाँ पे अपूर्ण कवक की तरफ कर रहे हैं, ठीक है? इंडिकेशन कर इनकम्प्लीट जो है आपके फंगी की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं। तो उसका इनकम्प्लीट जो फंगी होता है उसका उदाहरण के तौर पर ड्यूट्रोमाइसिटीज को जाना जाता है, ड्यूट्रोमाइसिटीज को जाना जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है? इनकम्प्लीट फंगी की बात की गई है, फंगी इम्परफेक्ट भी उसको बोल सकते हैं, अपूर्ण जिसको कह सकते हैं, परफेक्ट तो पूर्ण हो जाएगा, इम्परफेक्ट उसको कह सकते हैं। विच कंसिडर्ड द फादर ऑफ फाइकोलॉजी, भारतीय फाइकोलॉजी पितामह किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है? तो यहाँ पे अगर सही उत्तर की बात करें प्रोफेसर MOP आयंगर को। अगला प्रश्न यहाँ पर, और अब देखिए फाइकोलॉजी का भी अध्ययन किया जाएगा, किसमें उस चीज को आपको बताना है। फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, फाइकोलॉजी अध्ययन है, तो किसका अध्ययन है? इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच, निम्नलिखित में से कौन सा गलत रूप से सुमेलित है? पहला है एक काशाविक युग्मक फालीसाइफोनिया, फालीसाइफोनिया होता क्या है? तो जो लाल शैवाल होता है, ध्यान रखेंगे क्या है, रेड जो है आपका यहाँ पे लाल शैवाल हो जाएगा, ठीक है? तो लाल शैवाल में होता क्या है कि इसमें कोई भी काशाविक नहीं पाया जाता है। यहाँ पे देखिए एक काशाविक जो है युग्मक लिखा है, लेकिन जो है इसमें कोई भी नहीं पाया जाता है, कोई भी नहीं पाया जाता, ए आपका यहाँ पे क्या है, नहीं पाया जाता, इसलिए आंसर क्या गलत रूप से सुमेलित, तो ये आपका पहला ही हो जाएगा, ठीक है?
बाकी दुई कास भी चल बीजाणु भूरे सवाल सही है, जेमा धानी मार्के से सही है, एक कोच का जो क्लोरेला सब सही है। और यहाँ पर इसका उत्तर करेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है सही। इन विच ग्रुप ऑफ एल की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट फाउंड, सवाल के किस समूह में लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है, तो कौन से समूह की बात की जा रही है, कहा जा रहा है साइनोफाइएसी के बारे में। अगला प्रश्न उत्तर करेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। मैनिटोल किसे के भीतर संचित होता है, मैनिटोल, मैनिटोल सुगर एल्कोहल इज स्टोर्ड इन विच वन, तो किसके अंदर होता है मैनिटोल। अगर सही उत्तर की बात कर रहे हो आप तो यहाँ पे फ्यूकस के अंतर्गत होता है। रेड टाइड जनरेटेड, रेड टाइड उत्पन्न करते हैं तो कहाँ से उत्पन्न होते हैं, तो अगर यहाँ पे सही उत्तर की बात करेंगे, देखिए इन नॉक्टी ल्यूका से होते हैं, जिम्नोडेनियम से होते हैं, गोन यूलेक्स से होते हैं, यानी उपरयुक्त तो सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। और अगला प्रश्न है स्क्रीन पर उत्तर करेंगे इसका सही उत्तर क्या है। प्रश्न है अगर अगर इज रिसीव्ड, यानी अगर अगर को जो है प्राप्त किया जाता है, तो अगर अगर यहाँ पे जो है आपको ध्यान रखना है कि सवाल है, तो इसको कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो इसको प्राप्त किया जाता है गाई गर्टिना से, ग्लेडियम से, ग्रे से, लेरिया से, यानी उपरयुक्त तो सभी हो जाएगा यहाँ पर उत्तर, यहाँ पे अगले प्रश्न का उत्तर करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है द सेल वॉल ऑफ एल्गी इज मेड ऑफ, शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो किसकी बनी होती है, तो यहाँ पे अगर सही उत्तर की बात करेंगे तो किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की यहाँ पे बनी होती है, ठीक है। हेमी सेलुलोज नहीं, उसमें जो है गैलेक्टस होता है, यानी पहला तो हमारा कट गया, गैलेक्टस होता है और मेहनस होता है, यानी आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही होना चाहिए, जो कि सही भी है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। इन आर्थो ट्रोपस ओवल्स इज वन इन विच माइक्रोफाइल एंड चालजा आर, तो कह रहा है कि आर्थो ट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वारा तथा निभाग होते हैं, तो ये कहाँ पर होते हैं इसकी बात की जा रही है, तो बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में होते हैं। बीजाणु में अर्धसूत्री विभाजन होता है, मेयोसिस टेक प्लेस इन दी स्पोरा, तो यहाँ पे जो है बीजाणु में अर्धसूत्री विभाजन जो है कहाँ पर होता है, तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में, मेगास्पोरा इन दी मदर सेल, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और अगले प्रश्न को देखिए और इसका उत्तर करेंगे कि सही उत्तर क्या है। इन कैप्सिला दी इंडो स्पर्म इज जनरली, सामान्यतः कैप्सिला में भ्रूणपोष होता है, तो भ्रूणपोष को कैसा होता है, तो यहाँ पे अगर सही आंसर की बात करेंगे तो त्रिगुणित होता है, ठीक है, त्रिगुणित होता है। कह रहा कि टीटो पोटेंसी है, टीटो पोटेंसी इज, तो टीटो पोटेंसी होता क्या है वास्तव में, तो अगर इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो ये जो होता है माध्यम में कोशिका से जीव का विकास, एक इसको क्या कहते हैं, टीटो पोटेंसी कहा जाता है,
यानी यहाँ पे सी आंसर इसका सही होगा। तो आपके सभी जो है 25 जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो चुके और इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट हो चुका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहेंगे फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।